देखो दुनिया वालों ऐसा होता है। हाँ आप आओ ना आओ गिफ्ट पहुंच जाना चाहिए। 20% डिस्काउंट मैम। मैंने कहा है ये बात तो सही है, कल वैसे भी मैं नहीं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह किचन में, जी हाँ ये हर सुबह की कहानी है और आई थिंक हर घर की कहानी है, तो हम कह सकते हैं या गाना गा सकते हैं, कहानी घर घर की, कहानी घर घर की। सुबह सुबह उठ कर के अपना ख्याल रखने का प्रण किया और उठते ही शा लिया। मॉर्निंग रूटीन करने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में और बना रही हूँ वेजिटेरियंस का ऑमलेट यानी कि चिला। कल बहुत चक्कर मारा है मैंने और आज उससे भी ज्यादा चक्कर मारने वाली हूँ। मिलती हूँ, साथ में चक्कर मारते हैं। कहाँ छोड़ूंगी मैं आप लोगों को, कहीं नहीं छोड़ने वाली। थका डालूंगी, थका मारूंगी, मैं बोल रही थी मुझे मारेंगे सब, थका मारूंगी ऐसा ऐसा कहते हैं। हाँ तो मैं मारूंगी नहीं, मैं थका डालूंगी। क्या बना रही हो? नहीं मैं एक चीज़ नहीं बना रही, मैं क्या क्या बना रही हूँ, टेबल पर मिलती हूँ। लो जी बन गया नाश्ता और नाश्ते में है धनिया पत्ते की चटनी, इमली की चटनी और साथ में है चीला और ये है मीठी रोटी। मीठी रोटी को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, है रोस्टी। साथ में काटा है सैलेड एंड स्टार फ्रूट, स्टार फ्लावर हमेशा निकलता है। अगर मैं सिर्फ बोलूं माँ को कि मैं ऐसे अच्छे से खाती हूँ तो शायद उसको यकीन ना हो और शायद आप लोगों को भी ना हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज दिखा दें कि भैया मैं अच्छे से खा रही हूँ। आप लोग बिल्कुल मेरी परवाह ना करें, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रही हूँ। चीले पर बटर लगा कर खाया है? एक बार ट्राई ज़रूर करना। हाँ और एक और बताती हूँ, मीठी रोटी बनाकर इसके बीच में भी, यार एक हाथ से नहीं लगता, इतना मत लगाना वरना जान चली जाएगी खाने में और उसको डाइजेस्ट करने में। मैं जितने आराम से खा रही हूँ उतने ही ज़्यादा काम। प्रणाम माँ, तुम्हारा कोई फेवरेट परफ्यूम है? तुम एक बार बोले थे ना परफ्यूम चाहिए। अरे हम अभी निकल रहे हैं माँ के, तो लिस्ट जो भी है हमको बताओ ना, 2 घंटे के अंदर जो बताओगी हम ले लेंगे, उसके बाद फिर मुश्किल होगा। बापरे मोही पता है क्या बोल रही है, हम उसे पूछे तुमको क्या चाहिए मोही, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी बुआ चाहिए। मैं जा रही हूँ पास अपनी माँ के, ये कौन सा सेंटेंस मैंने बनाया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। समहाउ मेरे को अब लग रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया, और बहुत टाइम हो गया है, 2 साल हो गए मुझे लगता है मुझे माँ को देखे हुए और माँ को मुझे देखे हुए, मोही के साथ खेले हुए, बहन के साथ घूमे हुए, भाभी के साथ झगड़ा किए हुए। तो मुझे लग रहा है होम टाउन मुझे बुला रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं होम टाउन। कैसी हूँ ना मैं, मेरा मैंने कहा था ना मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बंजारे वाली ज़िंदगी है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। गर्मी बहुत लग रही है, अगले महीने और गर्मी हो जाएगी और उसके अगले महीने तो और भी गर्मी हो जाएगी, तो बिहार तो हम नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा माँ से पहले मिलकर आती हूँ पटना। पटना में आ रही हूँ, पटना मॉल चलते हैं मॉल। अभी बहनों को भी नहीं बताया है कि मैं जा रही हूँ, बाद में बोलेंगे तेरा ना ऐसा ही होता है, तूने पहले से सोच रखा था, हमको नहीं बताया, हमको भी कुछ भेजना था और फलाना ढिमकाना, बहुत फाइट होएगी। पर क्या बताऊँ यार, सच में मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मैं बताऊँ मैं डर से जा रही हूँ, इसी डर से कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कहीं मैं पहाड़ों वहाड़ों में निकल गई ना तो फिर छुट्टी हो जाएगी। माँ को देखने का बहुत मन कर रहा है। चलो यार पता है एक तो गर्मी में ये नहीं समझ में आता कि पहनो क्या, मेरा तो एकदम मन करता है इन्नी इन्नी कपड़ा पहनो और उसके बाद मास्क पहनना, इट्स सो टफ। मिस निकिता हाउ आर यू? आई एम गुड फाइन एंड 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 यू? आई एम आल्सो गुड, यस यस एकदम ऐसे ही बोलते हैं। सो मिस निकिता, तुमने मुझे क्या कहा था? मिस मिस, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी हो जाओगे मिसेज। मिसेज आगरे, ओ बेटा अभी से, सो क्यूट। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरा गिफ्ट देकर जाना। हाँ और उधर आके मेरे को हाँ वो कर देना, प्रेजेंट कर देना, पहले से ही देकर जाना, ऐसे मत पहले से दे। अभी मैं कहाँ जा रही, ये देखो ना मेरे को शादी वादी में नहीं बुला रही। बुला रही हूँ पर पता नहीं आपको बोलो सर आओगे या नहीं। तो कितनी शैतान है ना, ये देखो रुक जा रुक जा रुक जा, ये ना मेरे को नहीं बुला रही है, ये सिर्फ गिफ्ट को बुला रही है। मिसेज आगरे,
मिसेस आगरे की सारी तिकड़म पकड़ी गई है, बोल बोल तू बोल, देखो दुनिया वालों ऐसा होता है। हाँ आप आओ ना आओ, गिफ्ट पहुंच जाना चाहिए, और गिफ्ट पता नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसलिए कहने वाले। मिसेस आगरे कह रही है कि पहले ही गिफ्ट दे दो, अभी से दो, अभी मैं मायके जा रही हूँ, मतलब घर जा रही हूँ अपने, गई थी शॉपिंग करने की, कल पैकिंग करना है, जाऊंगी मैं। अरे अभी जाऊंगी तब तो, अब कल नहीं जा रही हूँ गाइज। अच्छा हाँ आप लोगों को भी नहीं बताया ना, एक मिनट इधर भी बता दो, निकली थी शॉपिंग करने के लिए दिन में, हो गया जी रात। गई थी किसके लिए शॉपिंग करने के लिए? मॉम के लिए, बहन के लिए, बच्चे के लिए, पर शॉपिंग किया सिर्फ अपने लिए। मतलब ऐसा लगा कि समर शॉपिंग थोड़ा कर लूँ, फिर ऐसा लगा थोड़ा यू नो मतलब मेरे लिए करने जाओगे तो मैं ऐसे भूल गए, मैं मेरे लिए मैं निकी के लिए शॉपिंग करने गए, मेरे लिए नहीं लिया, निकी के लिए कुछ लिया ही नहीं। ऐसे ही हुआ, तो अच्छी लग रही है, क्या लगाया चेहरे पे? तो हाँ मैं क्या बता रही थी, तो मैं शॉपिंग करने लगी, उसके बाद लेट बहुत हो गई और मैंने पाया मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। फैक्ट है अभी त्र्यंबकेश्वर से आई तो ओवरऑल थकान तो अभी निकली नहीं है, और थैंकफुली मैंने फ़्लाइट बुक नहीं किया था, अगर फ़्लाइट बुक कर लिया होता ना तो मेरी तो वाट लग जाती। ऐसी हूँ मैं, हाँ अनप्रिडिक्टेबल, अगर जाना है तो प्लान कर लूँगी चली जाऊँगी, और कई बार ही फ़्लाइट भी मिस हो जाती है मेरी, मैं बहुत इन सब मामलों में बुरी हूँ, कभी स्टोरी बताऊँगी अपनी ये सब कांड की। तो खैर कल तो नहीं जा पाऊँगी मैं, शॉपिंग भी नहीं हुई। अच्छा शॉपिंग सुनो, बस साइड में गई, खूब ज़्यादा शॉपिंग कर लिया, और मैं बस खड़ी थी बिलिंग काउंटर पे, मैंने उनको बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा एंड डिस्काउंट, तो उन्होंने बोला डिस्काउंट तो नहीं है, मैं कहा ना बर्थडे मंथ का होता है डिस्काउंट, मैंने डाला, उन्होंने कहा नहीं मैम पता नहीं क्यों शो नहीं करना कर रहा है, पॉपअप होना चाहिए बर्थडे मंथ तो। मैम आपका बर्थडे कब है? मैंने कहा 20th अप्रैल। क्योंकि ओ मैम आप एक दिन पहले क्यों आ गए, आपको कल शॉपिंग करनी चाहिए थी। एक सजेशन दिया कि आप कल ले जाओ ना, मैं आपका ये पैक करके साइड में रख देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं चलो अभी कर लेते हैं। फिर उन्होंने बोला 20% डिस्काउंट मैम। मैंने कहा हैं ये बात तो सही है, कल वैसे भी मैं नहीं जा रही हूँ तो मैं कल जाऊँगी वो सारा सामान उठाने के लिए। कितना चीप साउंड कर रहा है, लेकिन ये चीप नहीं है, हाँ ऐसा होना चाहिए, क्यों मौके को गंवाना है। हाँ मैं परसों जाऊँगी निक्की, परसों जाऊँगी और 5 दिन में आ जाऊँगी। 13 तो 15 तारीख है ना, तेरे जाने से पहले मैं आ जाऊँगी। मैं सिर्फ गिफ्ट नहीं भेजूँगी, मैं भी आऊँगी। और तू ऐसे कर रही है, तू अगर आएगी तो यहीं आएगी ना, मुंबई तो आएगी शादी करके, तू नहीं आएगी मेरे पास? नहीं आएगी, मैं क्या करूँगी, मुझे तलाश है एक और निक्की की, मेरे पास जो भी आते हैं उनकी शादी हो जाती है। प्रियंका की भी देखा ना शादी हो गई थी, मैं कितनी लकी हूँ ना, बस मेरी शादी नहीं होती, बाकी जो जो काम करने आते हैं सबकी शादी हो जाती है। आप सीरियस नहीं हो ना शादी के लिए, हम लोग सीरियस हैं। इनका सुनिए, वो कह रही है आप सीरियस नहीं हो ना शादी के लिए, हम लोग तो सीरियस है इसलिए हमारी हो जाती है। अबे तुझे कैसे लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ शादी के लिए? कैसे मालूम, तुझे कैसे मालूम है यार? इसने तो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दे दिया है, ये इल्जाम है। ऐसे कैसे, तुझे सच्ची बता तुझे क्यों लगता है मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ? खाना मैं बनाकर खिलाऊंगी, कपड़े नहीं धोऊंगी मुझे निक्की, मैं अपने कपड़े धोती हूँ क्या? आज तक कभी देखा है कपड़े धोते हुए मुझे? कब कौन सा एक दिन देखा था ना, पता है उस दिन क्यों धोया था? मैं गांव से आई थी ना तो मैं चाह रही थी ये हैबिट कंटिन्यू करूं कि मैं कपड़े खुद के धो, तो बस एक दिन के बाद कभी धोया? यार मुझसे कपड़े नहीं धोते यार, मैं हस्बैंड के क्या, मैं किसी के कपड़े नहीं धो सकती, बस गांव में जाती हूँ तो अपने धोती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे से जानती है बाय द वे, और ये अगर ऐसा बोल रही है तो मुझे तो सोच में डाल रही है। हाँ काजू मैं ही तो लाई हूँ, कैसे खाते हैं इसको? आग में पका के खाते हैं ना, आग में भून कर खाते हैं, ब्लास्ट होता है। होए मैं एक चीज दिखाती हूँ, कल ही तो लाई हूँ सड़क से, अच्छा तूने बता दिया। मैं और इसका वो होता ना चीक, हाँ, उसका फिर ऐसे उड़ गया ना, हाँ, वो पूरा खराब होता है। और तू बिलीव करेगी मैं इसको गैस पे पकाने वाली थी? अभी क्या होता है, रहता है वैसे, ओके, जैसे आम का वो पीछे होता है, उसके अंदर वैसे होता है,
तो ये गीला होता है, इसको अगले साल करोगे ना हाँ? तो कम होता है। लेकिन पकाऊं कहाँ, शहर में कहाँ पकाऊंगी बता ना। ये उस फल को ऐसे भी खा सकते हो, नमक लगा। अरे तो बना ना, कैसे कैसे करिए, देखो देखो एक बार एक बार और नहीं किया ना, ऐसे करिए उसको गैस पे ना ऐसे पका 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 के खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं समोसा लाई हूँ, मैं समोसे लाई हूँ, तेरे लिए भी लाई हूँ। अभी जहाँ मुझे रनिंग, योगा, जिमिंग ये सब करना चाहिए, तो मैं समोसे खा रही हूँ गरम गरम। मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं कुछ दिन के बाद अपना योगा शुरू करूँ एकदम अच्छे से, डिसिप्लिन। तो उसके पहले क्यों ना थोड़ा सा खा पी कर थोड़ा और ऐसे हो जाऊं। मतलब पहले योगा करने से पहले खाती हूँ और पेट बड़ा करती हूँ, बाद में योगा करती हूँ तब तक तो खाने जाएंगे। पैसा तो वसूलना है ना, इतना एक्सपेंसिव क्लास है मेरा। मतलब अच्छा, मतलब किसी से सीख रहे हो? हाँ, तो जाती नहीं थी पहले। हाँ, सुवीर के क्लास में, शाला में। मैं इतने अच्छे योगा टीचर को जानती हूँ और इतना अच्छा वो शाला है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन इतना डिसिप्लिन है, इतना डिसिप्लिन है ना। सुबह 4 बजे उठती हूँ मैं योगा के लिए और हम लोग 5 बजे शाला में होते हैं। शुरू करूँगी अभी, थोड़ी लाइफ इधर उधर घूमने में लगी हुई है। जिस दिन ये सारी चीज़ें होंगी ना, मतलब मुझे मुंबई में टिकना होगा, फिर ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आपको क्या नहीं? हाँ, ऐसे होता है, ये बहुत बड़ा रहता है, ये अभी मतलब ज्यादा सा पक्का नहीं है, ये बहुत छोटा। ये देखो ये है जी काजू, इतना बड़ा बड़ा रहता है। पर यही तो काजू हुआ। हाँ, ना इसी को तो तुम्हारे यहाँ होता है रत्नागिरी में, उन्होंने बताया कि ये खाते हैं। मुझे लगा गोवा में इसी का तो फैनी बनता है, इसका शराब भी बनता है ना। हाँ, हाँ। मैं ना टेंट तंबू लेकर आती हूँ, वही जंगल में तंबू गाड़ लूंगी। क्या सच में तेंदुआ, शेर, तेंदुआ, शेर, चीता, भालू सब करते हैं। इतने टेस्टी समोसे हैं कि क्या बताऊं आप लोगों को। समोसे के साथ ना घर की इमली की चटनी और घर का धनिया का चटनी, ओह मज़ा आ जाता है। मैंने बनाया ना, आलू बंद कर दो। लगाया तो कैमरा कि बहुत अच्छे से शूट करूंगी, अच्छा एंड करूंगी, बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगी, मैं जग में बहुत बड़ा नाम करूंगी, मैं बहुत बड़ी व्लॉगर बन जाऊंगी। पर मैं इतना ज़्यादा नींद में हूँ, बहुत नींद आ रही है। और पीछे देख रहे हो, बोरे, कट्टे, बैग्स, वो सब भी आज किया है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, बहुत काम है, बहुत काम है। इतनी नींद और इतना मॉल में चली हूँ ना, ये देखो एक्यूप्रेशर के लिए चप्पल पहना, पर नींद इतनी आ रही थी कि बस चप्पल पहन के ऐसे बैठ गई हूँ। और आप सब से मैं कल मिलूँगी। गुड नाइट, शब खैर, राम राम, जय भारत। सब आगे पीछे है उसको लगा लेना, लाइन से लगा लेना, जैसे हम लोग बात करते हैं। लव यू।